हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसिफ पटेल और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे रिसेसिव जीन्स के ऊपर। तो आपको पता होगा कि मैं अभी जेनेटिक्स के ऊपर बात करता हूं। तो पहले मैंने डोमिनेंट का वीडियो बनाया था, तो अगर वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिसेसिव के ऊपर। तो ये मैं पहले लिस्ट बता देता हूँ कि कौन से जेनेटिक्स में जीन्स होते हैं। तो एक डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, सेक्स लिंक होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है, को डोमिनेंट होता है, सेमी डोमिनेंट होता है और मल्टी एलील होता है। ये 7 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं बजरी के अंदर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं, वो पूरा डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, तो मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो आज डोमिनेंट के ऊपर तो बात किए हैं, आगे फिर से संडे को मैंने वीडियो बनाया था उसमें बात किए थे। आज हम बात करेंगे रिसेसिव के ऊपर। तो रिसेसिव बर्ड्स के साथ कौन सा बर्ड्स लगाने पर क्या रिजल्ट मिलता है, उसके ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे और पूरा डिटेल में बताएंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो उससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं, बजरी के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, वर्किंग के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि कोई यूट्यूब में बनाता ही नहीं है। मेरा एक लौटा चैनल है जो पूरी डिटेल के साथ बजरी की वर्किंग की वीडियो बनाता है। तो आप वीडियो सीखना चाहते हैं लव बर्ड्स के ऊपर तो बहुत वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन बजरी के ऊपर आपको मेरे चैनल के अलावा किसी और चैनल पर ये ऐसी डिटेल आपको नहीं मिलने वाली। तो मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, जिससे क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज हम बात करेंगे रिसेसिव के ऊपर। तो उससे पहले जो मैंने पिछले संडे को गिवअवे का बोला था, उसमें मैंने 3 सवाल किए थे। तो पहला सवाल था ग्रीन बर्ड्स के साथ ब्लू ऑफलाइन लगाने से क्या रिजल्ट आता है, पहला सवाल वो था। दूसरा सवाल था कि ग्रीन के साथ पाइड लगाने पर क्या रिजल्ट आएगा, वो था मेरा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल था ग्रीन के साथ डार्क ब्लू लगाने से क्या रिजल्ट आएगा, मतलब कोबाल्ट बोलते हैं हम उसको, उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो कमेंट तो किसी ने, वीडियो तो काफ़ी लोग ने देखा, अच्छा रिस्पॉन्स आया था, 500 के ऊपर व्यूज़ गए थे, लेकिन पता नहीं कमेंट नहीं आए। तो मैं गिवअवे भी अभी कैसे करूं, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था, तीनों जवाब दिए थे, उसमें से एक जवाब सही था, तो पता नहीं वो कमेंट डिलीट कर दिया वो भाई ने। तो स्क्रीनशॉट तो मैंने पहले ही बोला था कि शनिवार तक जिसका जवाब होगा उसको मैं गिवअवे दूँगा, लेकिन पता नहीं वो भाई ने डिलीट कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना रह गया है, क्योंकि मैंने वीडियो देखा था तो एक कमेंट देखा था मैंने, तो सोचा अभी शनिवार को स्क्रीनशॉट ले लूँगा, उससे देखते हैं आगे और कितने का जवाब आता है। लेकिन पता नहीं वो भाई ने डिलीट कर दिया कमेंट, लेकिन एक भाई ने कभी भी कमेंट है, उसने जवाब दिया है पहले सवाल का, उसमें लिखा है ग्रीन के साथ ब्लू ऑफलाइन की पेयरिंग से सारे चिक्स ग्रीन आएंगे बट वो स्प्लिट ब्लू होंगे। वो सही है, सारे बर्ड ब्लू आएंगे, लेकिन आपने जो बोला वो सही नहीं है, क्योंकि उसका जवाब यह है कि अगर आप ब्लू के साथ, अगर ग्रीन के साथ ब्लू ऑफलाइन लगाते हैं तो जो मेल आएंगे दोनों ग्रीन ही निकलेंगे और कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो मेल होंगे वो ब्लू ऑफलाइन होंगे स्प्लिट, और फीमेल होगी वो स्प्लिट ब्लू होगी। स्प्लिट ब्लू तो होंगी, लेकिन फिर फीमेल होगी, मेल होंगे वो ब्लू ऑफलाइन होंगे स्प्लिट के। तो दूसरे का रिजल्ट है ग्रीन बर्ड और पाइड दोनों ग्रीन सीरीज के लेंगे तो हमको दोनों रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो पाइड है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, उसकी वजह से हमको दोनों रिजल्ट मिलेंगे। ऑफलाइन है वो सेक्स लिंक है, तो उसका रिजल्ट हमको मेल में स्प्लिट मिलेगा और फीमेल में भी स्प्लिट ही मिलेगा। और तीसरा रिजल्ट है ग्रीन के साथ डार्क ब्लू लगाओ तो निकलेंगे हमको ग्रीन आएगा, एक डार्क ग्रीन आएगा, दो प्रकार के आएंगे, एक में ग्रीन आएगा और एक में डार्क ग्रीन आएगा। तो ब्लू स्प्लिट ब्लू होंगे दोनों स्प्लिट ब्लू होंगे, लेकिन वो आएंगे दोनों ग्रीन सीरीज के बच्चे। तो ये हो गए तीनों के जवाब। तो
तो आज हम फिर बात करेंगे रिसेसिव के ऊपर, तो रिसेसिव के साथ कौन सा पेयरिंग करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा तो हमको देखना है। तो पहले हम बात करेंगे लेंगे रिसेसिव में, मैं लिस्ट देखा देता हूँ कि कौन से वर्ड होते हैं एक बार। तो ये 12 प्रकार के जो बजरी हुए वो रिसेसिव होते हैं, उसमें से हम NSL इनो लेंगे, नॉन सेक्स लिंग जो रेडाई होता है येलो कलर का, लुटिनो बोलते हैं हम उसको, वो लेंगे। तो उसके साथ अगर ग्रीन लगाते हैं, डोमिनेंट बर्ड लगाते हैं ग्रीन, तो उसमें जो बच्चे आएंगे वो आएंगे ग्रीन आएंगे लेकिन स्प्लिट इनो होंगे, बच्चे ग्रीन आएंगे लेकिन स्प्लिट इनो होंगे। डोमिनेंट के साथ अगर लगाते हैं तो ग्रीन बर्ड लेंगे। तो दूसरा हम लेंगे रेसेसिव टू रेसेसिव, मतलब NSL इनो रेसेसिव है और ब्लू भी रेसेसिव है, दोनों रेसेसिव है, लेकिन हम अगर ब्लू के साथ रेसेसिव को लगाएंगे इनो के साथ तो भी ग्रीन ही बच्चे आएगा। क्यों? क्योंकि NSL इनो है वो ग्रीन सीरीज बर्ड है, तो डोमिनेंट हो जाएगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो डोमिनेंट में आएगा, लेकिन जो बच्चे होंगे वो ग्रीन आएंगे, स्प्लिट ब्लू होंगे, स्प्लिट इनो होंगे, मतलब जो बच्चों है वो आएंगे स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो आएंगे ग्रीन सीरीज के, मतलब वो डोमिनेंट आएंगे दोनों रिसेसिव टू रिसेसिव लगाने पर भी, क्योंकि एक ग्रीन सीरीज बर्ड है एक ब्लू सीरीज बर्ड है। तो उसके आगे हम लगाएंगे इनो के साथ सिनेमन लगाएंगे, सिनेमन भी सेक्स लिंक है, तो सेक्स लिंक के साथ अगर कोई, मैं पहले भी मैंने बताया था वीडियो में कि सेक्स लिंक के साथ अगर फीमेल है रिसेसिव के साथ या कोई भी बर्ड्स के साथ अगर फीमेल लेंगे सेक्स लिंक की, तो उसमें से जो मेल आएंगे वो स्प्लिट इनो होंगे, स्प्लिट सिनेमन होंगे स्प्लिट इनो होंगे, और फीमेल जो होगी वो सिर्फ स्प्लिट इनो होंगी, क्योंकि फीमेल सेक्स लिंक में स्प्लिट फीमेल नहीं होती है, सिर्फ मेल ही होते हैं। तो हो गई है सेक्स लिंक की बात। तो आगे हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इसको हम स्पेंगल लेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में हम स्पेंगल लेंगे तो इनो के साथ लगाएंगे, तो हमको दो प्रकार के रिजल्ट, एक ग्रीन भी आएगा एक आएगा स्पेंगल, दोनों आएंगे, ग्रीन भी आएगा स्पेंगल भी आएगा, लेकिन जो दोनों होंगे वो स्प्लिट इनो होंगे, दोनों स्प्लिट इनो ही होंगे। तो ये हो गए इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इसके बाद ले गए सेमी डोमिनेंट, जो क्रस्टेड होता है, तो एक ही सेमी डोमिनेंट में सिर्फ एक ही बर्ड होता है वो क्रस्टेड होता है, उसको हम इनो के साथ लगाते हैं, तो जो बच्चे आएंगे वो नॉर्मल ग्रीन आएंगे और क्रस्टेड भी आएंगे, दोनों प्रकार के आएंगे, लेकिन वो दोनों होंगे स्प्लिट इनो होंगे। तो ये हो गए सेमी डोमिनेंट की बात। और आगे को डोमिनेंट, जो येलो फेस होता है उसको हम लेंगे इनो के साथ, तो उसमें भी जितने भी बच्चे आएंगे वो डोमिनेंट आएंगे ग्रीन सीरीज के आएंगे, क्योंकि NSL इनो है वो ग्रीन सीरीज बर्ड है और जो येलो फेस है वो ब्लू सीरीज बर्ड है, तो जितने भी बच्चे आएंगे वो डोमिनेंट आएंगे लेकिन वो स्प्लिट होंगे, गोल्डन फेस के स्प्लिट होंगे, मेल फीमेल जो भी आएंगे वो सारे के सारे ग्रीन आएंगे लेकिन वो स्प्लिट येलो फेस होंगे। तो ये हो गई कोडोमिनेंट की बात। तो ये हम लेंगे आगे मल्टी एलील, मल्टी एलील में हम लेंगे इनो के साथ लेंगे TCB, TCB में हम लेंगे जो बर्ड आएंगे जो बच्चे आएंगे वो डोमिनेंट आएंगे, क्योंकि दोनों ग्रीन सीरीज के बर्ड है और जो TCB है वो मल्टी एलील है, उसके साथ सेक्स लिंक है वो जुड़ा हुआ है मल्टी एलील के साथ, तो उसके साथ जो फीमेल जो बच्चे आएंगे वो जैसे सेक्स लिंक का रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट TCB में भी आएगा, तो मतलब उसमें जो मेल आएंगे वो स्प्लिट TCB होंगे और स्प्लिट इनो होंगे, और फीमेल जो होगी स्प्लिट इनो होगी, जो फीमेल आएगी वो स्प्लिट TCB नहीं होगी, वो भी सेक्स लिंक की तरह ही काम करेगा TCB के अंदर, क्योंकि वो मल्टी एलील है। तो ये हो गए 7 प्रकार के जो जीन्स बताए हैं मैंने, तो पूरा वर्किंग करके बताया कि कौन सा बर्ड्स लेना है। तो उसके ये जो मैंने 7 बताया है उसके रिलेटेड ही मैं 3 सवाल और करूँगा, गिव अवे अभी भी करूँगा मैं आगे, और आपको वीडियो में देख के जवाब देना है, क्योंकि जो वीडियो में मैं बताता हूँ उसके ऊपर ही मैं सवाल करता हूँ, सिर्फ मेरा बर्ड्स चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, बाकी मेरा जो वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसके अंदर ही जवाब छुपा हुआ होता है। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको तीनों के जवाब मिल जाएंगे और आपको अपना गिव अवे मिल जाएगा। तो पहला सवाल का जवाब है
कि अगर रेसेसिव, दोनों रेसेसिव लेता हूँ मैं, एक रेड आई लेता हूँ येलो फेस, सॉरी एक येलो लेता हूँ और एक वाइट लेता हूँ, एक अल्बिनो लेता हूँ एक लुटिनो लेता हूँ, दोनों रेसेसिव है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब है रेसेसिव है जो इनो उसके साथ सेक्स लिंक है ऑफलाइन, फिर भी बताओ ऑफलाइन सेक्स लिंक फीमेलली है, ऑफलाइन की फीमेलली है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है, इसका भी गिव अवे आपको मिल जाएगा। और तीसरा सवाल है इनकम्प्लीट डोमिनेंट डबल फैक्टर डोमिनेंट, जो पहला सवाल है उसमें देखना रेड आई है, ये ब्लैक आई है, ये डबल फैक्टर है ब्लू सीरीज का, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट में आता है, और जो हमने इनो लिया है येलो वो होता है रिसेसिव, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो पहले सवाल और तीसरे सवाल में जो है वो सिर्फ रेड आई है, एक ब्लैक आई है एक रेड आई है, तो आप देख के नीचे मैंने लिखा हुआ है इनकम्प्लीट और रिसेसिव सब लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखना तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अब तीनों के जवाब दो, नीचे कमेंट करो, मैं आपको गिव अवे कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो मैं बनाता हूँ वीडियो बजरी के ऊपर वो आप पूरे YouTube में ढूंढ लेना, आपको कहीं भी ये वर्किंग वाला वीडियो नहीं मिलने वाला। मैं वर्किंग के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, मैं प्रोग्रेस भी बताता हूँ, उसमें भी कौन सा पैर लगाया है वो भी बताता हूँ, उसके बच्चे जो निकलेंगे क्या निकले हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा जेनेटिक्स के साथ सीखने को मिलेगा। आप बहुत मैंने कमेंट देखता हूँ, मैं दूसरों के भी वीडियो देखता हूँ, उनसे भी मैं सीखता हूँ, नीचे कमेंट कर देखता हूँ मैं, तो उसमें भी सब कमेंट करते हैं कि सर मेरे वीडियो मेरा बर्थ ये है ये कलर का है तो उसके साथ कौन सा कलर लगाऊँ तो ये बच्चे निकलेंगे। तो ये मेरे पूरे वीडियो है, पूरा जो जेनेटिक्स है मैं सातों जीन्स के ऊपर मैं अलग अलग हर संडे को वीडियो बनाऊँगा, तो आप हर संडे को मेरा वीडियो आएगा तो आप उसके बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तब के लिए मैं अगले संडे को मिलूँगा, तो तब के लिए आप नीचे कमेंट करके जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, तो आपको गिव अवे मिल जाएगा अगले संडे को। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।